हेलो दोस्त, एलपी सीबीटी वन आंसर की एनालिसिस। यहाँ पे हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम बात करेंगे। तो बहुत सारा आपका कमेंट आया है, लेकिन सभी का इंडिविजुअल जवाब देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास टाइम का लिमिटेशन है और इंडिविजुअल क्वेश्चन का जवाब देते में बहुत सारा टाइम लगता है। तो चलिए उसी के स्टूडेंट का प्रॉब्लम का हल करते हुए ये वीडियो है, जिसमें 5 बिंदुओं पे हम बात करेंगे। पहला है, आंसर की नहीं खुल रहा है, तो 99% लोगों का खुल गया होगा अभी। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम था, बहुत गलत प्रश्न है इस आंसर की के अनुसार, उसके बारे में हम 2-3 टॉपिक बात करेंगे। तीसरा टॉपिक है, ऑब्जेक्शन फील्ड में दिक्कत आ रही है, जैसा इन्होंने पैटर्न बनाया है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन पहले या कट ऑफ पहले आएगा, यानी आरआरबी सिलेक्ट करने से पहले नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा या कट ऑफ होगा। और तीसरा, क्या यह फाइनल आंसर की है? तो मेरा जवाब है नहीं, ये फाइनल आंसर की नहीं है। रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइफ एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आ रहा था कि हमारा रिस्पांस की नहीं ओपन हो रहा है। तो मैं यहाँ आपको एकदम बिल्कुल क्लियरली और फ्रेंक बताना चाहता हूँ कि सभी का रिस्पॉन्स की हो जाएगा। 99.9% लोग अभी ओपन कर चुके होंगे, केवल 1% का, किसी किसी का 0.1% का दिक्कत हो रहा है, और वो भी मैक्सिमम प्रॉब्लम हो रहा है सेव डाटा इन फोन। अगर फोन में आप यूज करते हैं तो वहाँ पे डाटा आपका सेव हो जाता है, जिसके कारण से आप नए जो भी लॉगिन करते हैं वो पुराना हो जाता है। तो या तो फोन से आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे चले जाइए, वहाँ पे आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, और या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ करेक्ट सीक्वेंस में डालिए, उससे आपका ओपन हो जाएगा। ये किसी का सर्वर का प्रॉब्लम नहीं है। सर्वर का प्रॉब्लम कल थोड़ा शाम में हुआ था और मिड टर्म में हुआ था, लोग कह रहे थे कि स्लो हो गया है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। बहुत सारे कैंडिडेट का आ रहा है कि मेनी क्वेश्चन रॉन्ग है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रॉन्ग है, स्पेशली 20 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में लोग कर रहे हैं बहुत सारे प्रश्न गलत हैं। तो देखिए, हमें भी लग रहा था कि बहुत सारे प्रश्न गलत है, लेकिन प्रश्न गलत नहीं है। यहाँ पे जो रेलवे का रिस्पॉन्स शीट में दिया हुआ आपका आंसर है, वो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वहाँ पे, कि आंसर उसमें मौजूद है लेकिन आंसर को ए के जगह पे बी, बी के जगह पे सी और सी के जगह पे डी, इस टाइप से हो गया है। एक प्रॉब्लम ये है, तो यहाँ पे रेलवे सम मिस्टेक किया है, हो सकता है कि इसको सुधार लिया जाए, क्योंकि अभी हमारे प्रोसेस है, उसमें टाइम है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ सुधारेगा रेलवे इस सारे ए बी सी को, गलतियाँ को। दूसरा है स्टूडेंट एवोल्यूशन। फर्स्ट नज़र में हम अगर किसी प्रश्न को देखते हैं तो हमें भी कई सारे ऐसे कम से कम 10 से 15 प्रश्न मिले, जिससे पहली बार में मुझे भी लगा कि ये प्रश्न गलत है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 256 का गुणनखंड परफेक्ट स्क्वायर एक था, तो मैंने भी बोल दिया ये 4 होगा, क्योंकि वो 4, 16, 64 और 256 ये लग रहा था, लेकिन इसमें एक छुपा हुआ था कि 1 भी है, क्योंकि एक भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी रेलवे का आंसर 5 था, वो बिल्कुल सही था। और इसी तरह से कई सारे प्रश्न मैंने देखा, रीजनिंग वाले में भी, वहाँ गलती नहीं है लेकिन हमारी तरफ से हम जो सोच रहे हैं उसके अनुसार से वो गलत डिक्लियर हो जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो उसको भी हमें करेक्ट करना चाहिए ऑब्जेक्शन से पहले। तीसरा है रिस्पॉन्स या रीजनिंग, जिसको बोले रीजनिंग का रिस्पॉन्स, उसमें नो फिक्स है, और स्टेटमेंट एंड लॉजिक या स्टेटमेंट एंड कथन, स्टेटमेंट को कथन बोलते हैं, और इसका कंक्लूजन वाले प्रश्न है। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता। हमें लग रहा है कि ऑप्शन ए होगा, लेकिन वो प्रश्न बनाने वाले हो सकता है बी को लॉजिक करके वो दिए हों, तो यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा है। तो ये रीजनिंग वाले पार्ट को बहुत संभल के देने की बात है, और ये 90% ही हम करेक्ट कर पाते हैं, 10% का कोई आंसर ही नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, 10% अंदाजा से ही किया जाता है, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन करते वक्त थोड़ी ध्यान देना चाहिए। और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 20 प्रश्न गलत है, तो 20 प्रश्न गलत होने में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी सही नहीं है,
अगर गलत है तो रेलवे आपका इस स्टेज पे सुधारेगा, जब आंसर की दोबारा से डाउनलोड होगा वहां पे ये पूरी तरह से इसको सुधार लेगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे तीसरी पॉइंट पे, थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कह सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन का रीढ़ बन गया है। एग्जामिनेशन आपने दे दिया है लेकिन ऑब्जेक्शन, अगर आपके शिफ्ट में अगर 5 भी प्रश्न अगर गलत होते हैं तो क्या आपके मार्क्स तो करीब करीब ये 10% कम हो जा रहे हैं, 10% नहीं कह सकते लेकिन 8 से 8% कम हो जा रहे हैं, क्योंकि 5 गलत का और आपका नेगेटिव का 2 नंबर, 7 नंबर कम हो रहा है, यानी आपके 9 से 10% कह सकते हैं नंबर आपका कम हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एरर है और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन सही तरीके से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी आरआरबी की तरफ से बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। 90% लोग बोल रहे हैं कि जब हम फिल कर रहे हैं तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे एरर जनरेट हो जा रहा है, यानी हम अगर सही से भी भरें तब भी एरर है। और बाकी ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आईडी सिलेक्ट करना है, तो प्रश्न आईडी आप सिलेक्ट करेंगे तो एक बार में एक कर सकते हैं या कितना ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3 करेंगे। मान लिया आपने 3 यहाँ कर भी लिया किसी तरीके से, तो ऑब्जेक्शन टाइप आपको यहाँ पे एक ही सिलेक्ट हो रहा है। अगर एक से ज़्यादा करना चाहेंगे तो मुश्किल हो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्शन का टाइप सिलेक्ट करने में। और अगर ऑब्जेक्शन टाइप अगर किसी कारण से आपने 3 किसी तरीके से कर भी लिया, या हो रहा है या नहीं हो रहा है मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, अगर 3 आईडी भी डाल दिए, 3 ऑब्जेक्शन लगाए हैं, तो इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के बारे में क्या लिखिएगा और उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, ये भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने इसमें किस टाइप के ऑब्जेक्शन का क्या करेक्ट आंसर देंगे और क्या एक्सप्लेनेशन उसका लिखेंगे, रेलवे को कैसे समझ में आएगा। तो हमारे ख्याल से यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए था, जैसे आप एक प्रश्न का करें तो एक टाइप का ऑब्जेक्शन, वन टाइप का एक्सप्लेनेशन और करेक्शन भी होना चाहिए था उसके बाद दूसरे प्रश्न के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने लिख लिया है कि एक बार अगर आप सबमिट कर देंगे तो दोबारा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप इसको सुधार करें या करेक्ट करें। तो ये भी एक स्टूडेंट के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हो सकता है रेलवे आगे आने वाले दिनों में ही 18 तारीख से आगे तक भी ये प्रोसेस जारी रखेगा, जैसे ही लोगों की कंप्लेन बहुत सारी जाएगी, क्योंकि कुछ न कुछ कमियां है जो हमारी प्रोसेस में जो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे मित्र का प्रश्न आ रहा है पहले नॉर्मलाइजेशन होगा या कट ऑफ होगा, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को अभी तक पूरी प्रोसेस पता नहीं है। तो चलिए उनके लिए, उन प्यारे दोस्तों के लिए ये सारी कट ऑफ का क्या है, प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे तो CBT 1 है और स्टेयर कैसे बनेगा, आप देख सकते हैं कि कैसे सारी प्रोसेस है। उसके बाद अगला प्रोसेस होगा रिस्पॉन्स की, जो अभी आ चुका है। उसके बाद अगला प्रोसेस है आपका ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन के बाद अगला प्रोसेस है आपका आंसर की, और आंसर की के अगला प्रोसेस अगर कहेंगे तो नॉर्मलाइजेशन है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कहते हैं तो आरआरबी एलिजिबिलिटी है, यानी पहला 40% वाला कटअप यहाँ लगेगा। उसके बाद अगला प्रोसेस होता है आपको आरआरबी सिलेक्ट करना है, कौन से आरआरबी में जाना है, और उसके अगला प्रोसेस है कट ऑफ फॉर CBT। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्स की अभी आ चुका है, लेकिन इस पड़ाव पे सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट के लिए है ऑब्जेक्शन। प्रॉपर तरीके से आप ऑब्जेक्शन कीजिए तभी कुछ हो पाएगा, जितनी भी प्रॉब्लम है यहाँ से हल निकलेगा। तो लास्ट ऑप्शन था, लोगों ने कहा कि ये आंसर की ये फाइनल है या इसके बाद भी आंसर की हमारे पास आएगा। तो दोस्त अभी आपको पता होगा जो आप देख रहे हैं वो रिस्पॉन्स की है, आंसर की नहीं है। आपने जो आंसर दिया है और रेलवे ने उस पे जो आपका आंसर सेट किया है उसके रिगार्डिंग है, तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेलवे को पता है कि जब हम एग्जामिनेशन देते हैं या क्वेश्चन सेट करते हैं उसमें गलतियाँ होती है, मिस्टेक होती है, उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन का ऑप्शन दिया है, उस ऑब्जेक्शन को पूरी तरह से बेनिफिट उठाइए। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि आपका जो आंसर की है वो लास्ट नहीं है, केवल रिस्पॉन्स की मात्र है,
आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने दिया था कि CBT 1 के लिए लोको टेक्नीशियन का प्रथम चरण के लिए ऑब्जेक्शन राइजिंग ऑफ क्लोजिंग डेट कब तक था, 18/9/2004 के रात को 23:55 तक, यानी 12 बजे कह सकते हैं, रात के 12 बजे तक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एकदम बिल्कुल इस लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास ये नोटिफिकेशन में आप देख रखे होंगे नोटिस में, तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है नोट एंसर आर बेस्ड ऑन प्रोविजनल एंसर की, ये फाइनल एंसर की नहीं है, एंसर में भी चेंज इन दी एंसर की फाइनलाइज आफ्टर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट की, ऑब्जेक्शन जितना आएगा उसको मैनेज किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, और एवोल्यूशन इन बी डन बी फाइनल एंसर की, जो भी एंसर का एवोल्यूशन होगा वो फाइनल एंसर की पे होगा। उस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमने एंसर की ये बना रखा था स्टेज में, तो आपके लिए ऑब्जेक्शन के बाद जो एंसर की होगा वो राइट एंसर की होगा। अभी तक जो आप देख रहे हैं वो केवल आपका रिस्पॉन्स की है, तो उस पर आपको ज़्यादा पैनिक होने की नहीं ज़रूरत है। और ख़ास करके मैं 20 अगस्त वाले को बोलना चाहूँगा, जो कह रहे हैं 20 क्वेश्चन रॉन्ग है, तो अगर ये ज़्यादा रॉन्ग हुआ तो आपके लिए 75-20, ध्यान दीजिएगा, 75-20 होता है 55, और 55 का 40% लाना होता है, तो आपके लिए 20 मार्क्स सफिशियंट है जनरल कैंडिडेट के लिए, किस में जाने के लिए, RRB सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी के लिए। तो ध्यान दीजिए, अगर रॉन्ग भी होता है तो आपको ही स्टूडेंट को बेनिफिट होगा, अगर लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है आपको ऑब्जेक्शन प्रॉपर तरीके से करना है। और कुछ लोगों का सवाल था कि अगर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करता है तो क्या ये इसका बेनिफिट सभी को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर एक ऑब्जेक्शन किसी ने कर लिया तो वो अगर रेलवे एक्सेप्ट करता है, RRB के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, तो उस प्रश्न को जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसका बेनिफिट सभी को मिलेगा, ऐसा होता है। अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ तो 100% लोगों को मार्क्स मिलेगा, अगर उसका आंसर गलत हुआ तो जो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनको नंबर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत ऑप्शन है। और लग रहा है कि यहाँ पे लोगों ने में गड़बड़ी आ गई एकदम से कि इतने 5-10 प्रश्न गलत है, तो किसी शिफ्ट में 5 प्रश्न गलत है तो उसमें से अगर रीचेक करें या आपके द्वारा या हमारे से अलावा कोई चेक करता है तो ये 5 में से 3 सही निकल रहा है, 1 या 2 क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि है प्रश्न गलत है लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं है जितना कहा जा रहा है। हाँ, रीजनिंग वाले टॉपिक पार्ट पे है, वहाँ पे किसी के पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ना मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि इस टाइप से वो रीजनिंग का आंसर डिफिकल्ट हो सकता है, उसमें से आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है और रेलवे का अलग हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप वेट करेंगे फाइनल आंसर की का, लेकिन सारा फोकस करना है आपको ऑब्जेक्शन पे। थैंक यू, धन्यवाद।